ठीक है, तो स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? स्क्रीन स्क्रीन अभी प्रेजेंट नहीं करी है मैंने, अब प्रेजेंट कर दी है। यस बच्चों, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही, क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, सो 11th क्लास की आज सैम्पल पेपर की पहला पेपर, इसमें पांच पेपर हैं, इसमें पांच पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इन पेपर से काफ़ी कुछ आपको नॉलेज होगा कि आपके एग्ज़ाम का जो पेपर है वो कैसा आना है, एग्जामिनेशन का पेपर इस टाइप का आपके आएंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में किए थे पहले, उसके जैसे ही हम करेंगे। पहला सवाल, हाँ अभी क्लास में पहले कौन बोलेंगे भाई? हाँ भाई छत्रपाल, हाँ पढ़े क्वेश्चन, यस पढ़े सर। पढ़े क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए और बी, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी डैश इक्वल टू। हाँ भाई ए यूनियन बी का डैश क्या होता है? सबको पता होना चाहिए ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बताइए, है क्या? ए बी डैश इंटरसेक्ट बी बी डैश डैश, तो फर्स्ट का आंसर है ए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना, दो थ्योरम होती हैं बच्चों, आपको याद होनी चाहिए दोनों थ्योरम। इसको थोड़ा, यस, तो दो थ्योरम हुआ करती हैं। पहली होती है ए यूनियन बी का डैश दैट इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड दूसरी होती है ए इंटरसेक्शन बी का डैश दैट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो दोनों थ्योरम कॉपी में लिख लीजिए, कोई भी इसमें से पूछी जा सकती है। लिख लिया बच्चों? यस स्क्रीन सर। ओके ठीक है। चलिए अगला सवाल, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 3 4 5 6 होगा तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? बताओ भाई देख करके कौन सा होगा। 3 4 3 4, बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल है सी, एग्जैक्टली आपको मिले 1 नंबर। एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस 3 आई, तो एक्स और वाई की वैल्यू बेहद सिंपल क्या होगी बोलो? 2 3 2 3, एग्जैक्टली ओके 1 मार्क्स। अगला, एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 2n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी बताइए? 2n+1 बिल्कुल सही जवाब 1 मार्क्स, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा पावर से एक ज़्यादा होती है, तो पावर है 2n, तो पदों की संख्या होगी 2n+1। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो छत्रपाल। छत्रपाल कहाँ गया? चलो प्रेजेंट सर। हाँ भाई, तो कहाँ भाई, पढ़ो तो क्वेश्चन। फिफ्थ सर। हाँ फिफ्थ, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही जाना है, फिफ्थ। जेड अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं बताइए? 0,0,z। भाई माइक ऑफ कर लो जिसके यहाँ शोर हो रहा है, 0,0,z। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स की पावर -5/7 का अवकल गुणांक होता है। बताओ भाई क्या होता है अवकल गुणांक, करते बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर, 10 सेकंड चलो देखो, अवकल गुणांक मतलब डिफरेंशिएशन, एक्स सर, की बस एक पावर -5/7, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन एक्स की पावर n-1, तो एन की जगह कौन सर बैठा है, -5/7। बोलो बेटा मुकुल। सर 12 वाला 12 सर बी। ओके देखते हैं, तो -5/7 एक्स की पावर -5 -7/7, -5/7 एक्स की पावर -12/7। ठीक है, कौन सा हुआ? बी, बिल्कुल सही 1 मार्क्स। चलिए तो ये हो गया पहला वाला पार्ट आपका पूरा, चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को तो पूछो प्लीज। नो सर। गुड, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर आपको, पहला सवाल पढ़ो भाई छत्रपाल। यदि a, n अवयवों सहित परिमित समुच्चय है तब a के उप समुच्चयों की संख्या खाली स्थान होती है। बताओ भाई क्या होती, खाली स्थान में कितना आएगा? an गलत, 2 की पावर n, टू की सुन पावर लो, एन 2 की पावर n होते हैं बेटा, उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। ओके समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। नेक्स्ट,
हाँ चलो बताओ अगला। एक रेडियन का मान जो होता है कितने डिग्री होता है? सर 180/π। 180 बटा पाई डिग्री, बिल्कुल सही है, मगर इसको और शुद्धता से लिखा जाता है 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है ना? यस सर। तो याद कर लो 57 डिग्री 16 मिनट। चलो अगला, 1 + i का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ भाई। 1 + i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? पता है नहीं पता? नो सर। नो नो बेटा, सर। बेटा 1 + i का गुणात्मक प्रतिलोम वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, सम्मिश्र संख्या 1 + i। सब लोग जानते हो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 1/z निकालना है, तो 1/z मतलब 1/1 + i। तो क्या करेंगे, 1/1 + i को परिमेयीकरण कर दो, 1 - i और 1 - i, तो ऊपर आएगा 1 - i और नीचे a स्क्वायर यानी कि 1 और -b² तो i स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 1 + 1। आंसर लिखो बच्चों 1 - i/2, समझ में आया? यस सर। चलो अगला, a + b की पावर n के प्रसार में n अगर सम पद हो तो मध्य पद क्या होगा? अगर n सम है तो मध्य पद क्या होगा बताइए। सर n/2 + 1, वेरी गुड। n/2 + 3। नहीं गलत, गलत बोल गए भाई, गलत बोल गए। पहला सही बोले थे, केवल एक सर ही दो मध्य माध्य पद पद आएंगे। होगा, नहीं आएंगे ना, सम संख्या है तो पद प्रसार तो विषम बनेगा। यस सर। सम यस सर। बनेगा। लिख लो n/2 + 1। अगला क्वेश्चन पढ़िए। दो खालिस्थान रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। बताइए। समांतर रेखा। समांतर, एग्जैक्टली, समांतर। बिल्कुल सही। समांतर यानी कि पैरेलल लाइंस की रेखाएं जो होती हैं समान होती हैं, पैरेलल लाइंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, यस, छठवां क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। 1 + x + x² / (2 + x² / (3), तो dy/dx किसके इक्वल होगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लास में बताई थी ये वाली प्रसार मैंने आप लोगों वाई को y के, बिल्कुल सही, बट कैसे होगा बाकी लोग देख लें, देखिए कैसे होगा। आपके पास जो दिया गया है ना, ये y दिया गया है क्या, ये y आपके पास दिया गया है, y = 1 + x + x² / (2 + x³/(3) + ... ऐसे है ना बच्चों? ये क्या है, ये यहाँ पे इसको y को बोलते हैं e की पावर x। ये जो प्रसार लिखी हुई है ये किसकी प्रसार दी गई है, ये e की पावर x की प्रसार है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे, e की पावर x का अवकलन करोगे तो e की पावर x ही आएगा, मतलब y ही आएगा, तो अवकलन क्या होगा इसका, y ही होगा, समझ में आया? यस सर। चलो अगला, 7th क्वेश्चन कीजिए। परिणाम PE = PE = चार प्रायिकताएं दी गई हैं, बाकी की सर प्रायिकता जीरो निकालनी पॉइंट है। थ्री बिल्कुल सही, 0.3 करेक्ट आंसर है, क्योंकि टोटल प्रायिकता का सम कितना होता है, 1, याद वन है? कुल प्रायिकता PE1 + PE2 + PE3 + PE4 सबका सम एक होना चाहिए, PE3 + PE4 = कितना होना चाहिए, 1। तो 1 वन करने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा, 0.3, करेक्ट आंसर 0.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है। चलो देखो भाई, आराम से सही जोड़ी आपको मिलाना है। cos x + y किससे मैच करूं, ए बी सी डी ई सर एफ,
बिल्कुल सही। cos x minus y किसे मैच करूं? सर आंसर शीट भी दिख रही है इस पे। अच्छा ठीक है, दिखने दो, मेरा तो ध्यान ही नहीं, आप भी ध्यान मत दो उस पे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जितना अपने से करूं। चलो cos x minus y बताइए। cos x plus cos x cos y plus sin x sin y। थर्ड बताइए। sin x cos y plus cos x sin y। बिल्कुल सही। फोर्थ बताइए। sin x cos y minus cos x sin y। चलो अगला, ncr plus ncr minus 1 क्या पढ़ाया था? n minus n plus 1 cr। हाँ बिल्कुल सही, n plus 1 cr बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला npr upon ncr कितना होगा? फैक्टोरियल फैक्टोरियल r। एग्जैक्टली, वही बच गया तो उसी को कर देंगे फैक्टोरियल r। चलिए नेक्स्ट, एक शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला सवाल पढ़ो छत्रपाल। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो को कहते हैं? बोलो, परिमित समुच्चय। बिल्कुल सही, परिमित समुच्चय। दूसरा, एक फलन fx equal to 2x minus 5 2x minus 5 द्वारा प्रदर्शित है, तो f 7 का मान लिखिए। बताओ बच्चों। 9 2, 7, 14 माइनस 5 9। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही 9। अगला बताइए, नेक्स्ट पढ़ो। 30x इज स्मॉलर देन 180 में x का मान क्या होगा? बोलो सर। x लेस देन 6। हाँ बिल्कुल सही, x लेस देन 6 होगा, है ना, या ये कह लो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट टू 6। ठीक है, हाँ चलो अगला, नेक्स्ट। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का समांतर माध्य होगा? निकालो बेटा जल्दी से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कोई बच्चा सवाल दे देता है तो ये नहीं कि आप पूछो ना, जिससे ना बने पूछ लिया करो। एक्सप्लेन कर दीजिए। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है बेटा? सीधे जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, निकाल लो आंसर। 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यस सर। चलो अगला सवाल करो, पांचवा। समांतर चतुर्भुज के डी के निर्देशांक ज्ञात करो। सर 4, 5 और 2। 4, 5, 2 गलत है बेटा, 4 माइनस 5, 2। आंसर आएगा 4 माइनस 5, 2। क्लियर हुआ? यस सर, चेक कर लेगा। चेक करिए, बाकी बच्चे बताएं भाई। -5, 2। बिल्कुल सही है, 4, -5, 2।
चलो हाँ चले आएंगे। किसी का डाउट? चलो ठीक है, नहीं बोल रहे हो मतलब डाउट नहीं है ना? याद है ना कैसे करते हैं यस इसको करने का तरीका? मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से इसको किया करते हैं, मध्य बिंदु प्रॉपर्टी से। एक का मध्य सर। बिंदु जो होता है दूसरे के मध्य बिंदु के बराबर होता है, तो उसे सॉल्व करते हैं। अगला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होगा? यस सर जीरो जीरो सर नहीं, देखिए जीरो नहीं होगा इसका। जो लिमिट होती है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो महत्तम पूर्णांक फलन की जो सीमा होती है अस्तित्व नहीं करती। अगर आप जीरो बोलोगे, जीरो प्लस बोलोगे तो जीरो होगा इसका मान, मगर यदि इसकी बात करोगे तो इसका अस्तित्व नहीं है। एक्सटेंड्स टू जीरो हाँ, अस्तित्व नहीं है। अगर जीरो की बात करोगे तो इसके दो मान आएंगे, एक जीरो प्लस और एक जीरो माइनस। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसको। जैसे तुमने कहा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो क्या करोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ब्रैकेट में आएगा जीरो प्लस एच। और जब राइट, ये है क्या राइट हैंड लिमिट, दाई सीमा, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट हल करोगे तो क्या आएगा? एच टेंड्स टू जीरो तो फिर आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस एच। एच समझ गए? तो दाई सीमा की वैल्यू कहाँ आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की? जीरो पे टूटेगा, क्योंकि देख लो ग्राफ, जीरो के आगे जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन वो हमेशा जीरो पे टूटता है, और जीरो के पीछे वाला कहाँ पे टूटता है? माइनस वन पे। ऐसे सीढ़ी वाला ग्राफ पढ़ा होगा तुमने, है ना? यस, तो ये कहाँ पे टूटेगा? माइनस वन पे। तो दाई सीमा और बाई सीमा बराबर नहीं है, मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक इसको नोट कर लो। सीमा का अस्तित्व नहीं, नोट कर लीजिए इसको। डन सर। डन सर। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन। आंकड़ों 3, 4, 10, 7, 10, 5, 10 के लिए माध्य विचलन का मान क्या है? बताओ भाई, इसका माध्य विचलन निकालिए। माध्य विचलन का मान निकालिए इसके। जाएगा माइक दूर करके सॉल्व करो बेटा, रिकॉर्डेड क्लास होती है। सर 2.57। 2.57। यस बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है 2.57। तो कैसे निकलेगा इसका माध्य विचलन, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन सब का माध्य निकालना पड़ेगा, एक्स आई एक्स बार सबको जोड़ करके जितने नंबर है उससे भाग दे करके। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था विचलन डेविएशन होता है एक्स आई माइनस एक्स बार, सबको निकालना पड़ेगा और सभी डेविएशन को जोड़ करके सिग्मा डी आई अपॉन एन करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ यस बच्चों? सर। तो इस तरीके से जो है आपको माध्य विचलन करना पड़ेगा। चलिए अगला, सत्य असत्य। सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी,
सेट ए जो है वो अवयव है ए बी सी का, सत्य या असत्य? सत्य सर, असत्य है बेटा, ये अवयव नहीं है, ये तो सेट है ना, सेट ए किसी सेट का अवयव हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या है, असत्य है। अगला सवाल पढ़ो। Z इक्वल टू ए प्लस आई बी का संयुग्मी बार Z इक्वल टू ए प्लस आई बी होगा, बताओ? असत्य सर, असत्य है, सही, असत्य है। ए जेड बार जो होगा वो ए माइनस आई बी होता है ना। अगला थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। असमिकाओं के निकाय का हल क्षेत्र वह उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो निकाय में सभी दी गई असमिकाओं को संतुष्ट करता है। बोलो। सत्य सर, बिल्कुल सत्य सर। असत्य कौन बोल रहा है भैया? सर सत्य है। हाँ है ना, उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होता है वो सबको संतुष्ट करता है, वही तो होता है सत्य। अगला पढ़ो। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर पद जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है। बोलो। सत्य सर, सत्य है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर कोई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, इसमें तुम कोई भी नंबर जोड़ दो सब में, जैसे तुमने एक एक जोड़ दिया तो 3 यहाँ पे आएगा, 5 और यहाँ पे आएगा 7, तो अभी भी देखो इनका सर्वांतर 2 ही बना हुआ है, तो अभी भी कायम है ये समानांतर श्रेणी में। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन परवल है। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10x की नाभि माइनस 5,0 है, बोलो सत्य की असत्य? सर असत्य। असत्य, तो सही नाभि क्या होगी बताओ बेटा, सही नाभि क्या होगी? अब नाभि सही बताओ, आपने ये तो कह दिया कि असत्य है। हाँ बोलो। 5/2। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, 5/2। देखो क्या है बेटा, इसका जो समीकरण बन रहा है आपके पास में, जो समीकरण बन रहा है इसका, ये क्या बन रहा है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax से तुलना करो, इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10x की, तो माइनस 4a इक्वल टू माइनस 10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 10/4, ओके कितना आ गया 5/2 काटने पर, मतलब ये पैराबोला होगा किसकी तरफ जाएगा, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ जाएगा, इस तरीके से पैराबोला जाएगा, तो इसकी नाभि क्या होगी, इसकी नाभि यहाँ पे होगी माइनस 5/2,0। बेटा बनना भी चाहिए ना, पूछा करो, माइनस 5/2,0, तो ये असत्य है। चलो अगला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर लॉग ई बेस एक्स है तो एफ वन का मान शून्य होगा, बोलो सत्य की असत्य? सर आई डोंट नो। यू डोंट नो, ओके। देखो भैया लॉग ई एक्स में है, कह रहा है एफ वन का मान कितना होगा, तो एक्स की जगह वन डाल दो तो क्या बन जाएगा, एफ वन बनेगा लॉग ई बेस पे 1, तो आंसर लॉग का 1 कुछ भी हो आंसर कितना आता है 0, लॉग का कोई भी 1 हो आंसर क्या आएगा 0, बच्चों लिख लो, बहुत काम की चीज है, लॉग 1 बराबर 0, ठीक है, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। तो सत्य है क्लियर सर, ये सत्य है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब इसके बाद आते हैं बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब ये दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ये आपके होमवर्क हैं, ये पूरे क्वेश्चंस आपको करके लेकर के आने हैं, मैंने आपको भेज दिया है पीडीएफ, ये क्वेश्चंस आप करेंगे, अपन चल रहे हैं पेपर नंबर 2 पे, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं अभी। चलिए तो पेपर नंबर 2 आ चुका है आदर्श प्रश्न पत्र का, भाई छत्रपाल आप पढ़ चुके हो, अब कौन पढ़ेगा, अब पढ़ो बेटा तुम, नंदनी, नंदनी पहला क्वेश्चन पढ़िए। नंदनी कहाँ हो, क्लास में तो दिख रही हो नंदनी, क्यों नंदनी माइक बंद कर रखा, माइक ऑन करो,
चलो एक काम करो, अमन सिंह आवाज आ रही मेरी? अमन सिंह बेटा रिमूव करते हैं, जिन जो लोग बोलते नहीं हुए ना, माइक बंद करके बैठे हुए हो। सुभाष पटेल आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत तेज आवाज आ रही तुम्हारी तो भाई। ठीक है तो इसको जो है पढ़ना शुरू करें, आप जितने क्वेश्चन है अब आप पढ़ेंगे। पढ़िए सुभाष पटेल क्वेश्चन नंबर वन। यस सर। बेटा दो माइक में इको हो रहा है, दो माइक से जुड़े हुए, एक बंद कर लो। हाँ एक डिवाइस बंद कर लो। चलो पढ़ो। दो मिनट सर। इसका अच्छा इस तरीके का है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ दो डिवाइस से जुड़ा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा था। चलो पढ़ो। हो गया सर। हाँ ठीक है सर। यदि ए समुच्चय 1 2 3 4 5 6, बी समुच्चय 3 3 4 5 6, तब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? बताइए क्या होगा सर? क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है। क्यों भाई? ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है ना, तो 3 4 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। ओहो मगर हाँ सही कह रहे हो तुम, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही। तो एक अलग से ऑप्शन बना लो भाई, अपन क्या करें सर, यूनियन होता है 3 4 5 6। हाँ हो सकता है यूनियन हो, अगर यूनियन बोला होता तो 1 2 3 4 5 6 यही कही जा जाता है ना। यस सर। फिलहाल अपना आंसर दिए गए क्वेश्चन के लिए ये रहेगा। चलो अच्छी बात है। 3 4 5 6 रहेगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। यदि समुच्चय ए 1.2 और बी समुच्चय 3.4 हो तो ए इंटू बी के में कितने उप समुच्चय होंगे? बोलो भैया कितने होंगे? ए इंटू बी में कितने उप समुच्चय होंगे? पता है सूत्र फॉर्मूला इसका? 16। बिल्कुल सही होंगे बेटा। देखिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर m गुणे n, उप समुच्चय की संख्या संबंध में। तो 2 की पावर m किस में कितने अवयव हैं? 2। उसमें भी कितने अवयव हैं? 2। 2 गुणे 2 मतलब 4, 2 की पावर 4 बोले तो 16। सही है। चलो अगला सवाल करो, अगला पढ़ो बेटा। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 का मान है? बताओ जल्दी निकालो कॉपी में आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19 का मान। कितना होगा बताओ भैया मान? सर जीरो। जीरो आयोटा की पावर 9 मतलब हो जाएगा आयोटा, और 19 का मतलब आयोटा की पावर 16 और 3 आयोटा की पावर 3। बिल्कुल सही है बेटा, जीरो करेक्ट आंसर, जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ भाई, क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं बहुत बार। NC0 प्लस NC1 प्लस NCN का मान कितना होता है? टू की पावर एन। बिल्कुल सही, 2 की पावर n करेक्ट। अगला क्वेश्चन फिफ्थ। यदि किसी कोई बिंदु, पढ़ो बेटा, यदि कोई बिंदु एक्स वाई तल में स्थित है तो इसका जेड निर्देशांक होगा? यस सर। एक्स वाई तल पे स्थित है तो इसका जेड निर्देशांक बेशक जीरो ही होगा। और जीरो। यस सर। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो का एक इक्वल है, खूब पढ़े हो। वन। वन की। वन। चलो अगला पढ़ो बेटा सुभाष क्वेश्चन। यस सर। यदि समुच ए और बी में 3 और 6 अवयव हैं, तब ए यूनियन बी
में न्यूनतम अवयव की संख्या डैश है। बोलो न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी? छह होगी सर। अच्छा, ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या छह होगी और अधिकतम सर नौ। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही। तो न्यूनतम अवयवों की संख्या जो यहाँ पर छह होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, छह आंसर है। चलिए देखिए, ए यूनियन बी में तीन और छह अवयव हैं, तो न्यूनतम अवयव कब होंगे? जब हो सकता है कि बाहर भी छह लोग हों, जैसे एक दो तीन, ये देखो चार पाँच छः। अब ऐसा अगर करके रखे हो तो ये ए है और ये बी है, तो दोनों के यूनियन में न्यूनतम अवयव कितने होंगे? छः। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, टेन थीटा की वैल्यू दी है तो बताओ साइन थीटा का मान क्या होगा? करो सॉल्व। सर 4/5 सर 3/5 इसका मान साइन थीटा का 4/5 भाई देखो, टेन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब टेन थीटा जो है दो क्वाड्रेंट में होगा, या तो टेन थीटा सेकेंड में होगा या टेन थीटा फोर्थ में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि आप बात करो तो आंसर साइन थीटा का आएगा 3/5, और यदि यहाँ पर बात करोगे तो आंसर आएगा साइन थीटा का -3/5। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, हाँ सॉरी 4/5 बच्चों, तो परपेंडिकुलर प्लस माइनस +-4/5, तो दो आंसर आएंगे बेटा इसके +-4/5। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बोलो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 3+11 आई। हाँ 3+11 आई, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। चलो अगला बोलो, इसके प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा? छठवां, बिल्कुल सही। समघात है ना, फॉर्मूला क्या होता है, n/2+1। तो 10/2 5+1 छठवां पद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड कितने कितने होंगे? बेटा साउंड आ रहा है, बंद कर लो, जिसका भी माइक है नॉइस हो रही है। +4 एवं -9 गलत है बेटा, +4 और -3 होगा, +4 और -3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। +4 एंड -3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, log e बेस log e की पावर x, तो d/dx का मान क्या होगा? One. Yes, इसका मान जो होगा 1 होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, 1। समझ में आया बच्चों कैसे होगा? नहीं देखो, अब जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बोला करो, आंसर तो बन दिया है। अब जैसे लॉग है ई बेस ई की पावर एक्स, तो बेटा ये एक्स जो होता है ये आगे आ जाता है, लॉग का रूल होता है कि लॉग में एम की पावर अगर एन होगा उसके इंडेक्स पे तो ये बाहर आ जाएगा, तो एक्स आगे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ई बेस ई। किसी के बेस और पावर सेम हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर हो गया x इंटू 1 यानी कि x। अब x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, d/dx x का, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो आंसर होगा 1। क्लियर है?
यस सर क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पाई। मतलब ए घटित होगा तो बी घटित नहीं होगा और बी घटित होगा तो ए घटित नहीं होगा, समझ गए ना? ये देखो ये ए है और ये बी है, इसका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ए घटित होगा तो बी नहीं होगा, बी घटित होगा तो ए नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं। और परस्पर अपवर्जी घटनाएं में ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? फाइव। नोट कर लो फाइव रिक्त समुच्चय। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए हाँ बताओ बेटा, फॉर्मूले मिलाने हैं, बहुत ही सिंपल कार्यक्रम है, बोलो sec square x minus 1 क्या होता है? tan square x। tan square, बिल्कुल सही। cosine 2x, sin 2x किसके इक्वल होता है? 2 tan x upon 1 plus tan square x। बिल्कुल सही, 2 tan x upon 1 plus tan square x। cos 2n pi plus x, अगर cos x में 2n pi जोड़ोगे तो क्या आएगा? cos x। cos x ही आएगा क्योंकि 2n pi मतलब 2 के चक्कर, 2 pi के चक्कर। हाँ, साइन टू एन पाई प्लस एक्स कितना होगा? साइन एक्स। साइन एक्स, बिल्कुल सही। ये किसका फॉर्मूला है सर? एनपीआर का। और ये वाला फॉर्मूला एनसीआर का। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल चीजें थी। चलिए अगला, एक शब्द में उत्तर दीजिए। चलो जल्दी से इसको सब लोग कर लो, पहले पूरे क्वेश्चन कर लो एक साथ, आपके सामने है, फिर मुझे एक बार में इसका उत्तर दीजिए। उधर कुछ ठीक है भैया?
यस सर हो गए सारे सर लास्ट वाला छोड़ दियो चलो ठीक है देखते हैं फिर भाई कौन सा आंसर सही है सर फाइव का क्या आंसर मिल गया चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर चल रहा है बेटा सबसे पहला संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या को रोस्टर फॉर्म में लिखो बोलो बेटा 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का रोस्टर फॉर्म सर 1 3 5 7 9 बिल्कुल सही जवाब है 1 मार्क्स मिलेंगे सेकंड f माइनस 3 का मान बोलो -11 बिल्कुल सही एक नंबर अगला इसका समुच्चय का हल बताओ x लेस देन 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृत संख्या x लेस देन 8 आएगा है ना यस सर तो हल समुच्चय लिखना है तो 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृत संख्या है अगर आप x लेस देन 8 लिख रहे हो तो फिर बगल में ये भी लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्योंकि प्राकृत दिखाना है चलो अगला बताओ आठवां पद -19 बिल्कुल सही -19 अगला x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर तल बनाते हैं उस तल का नाम xy तल बिल्कुल सही या उसी को कार्तीय तल बोलते हैं छठवां क्वेश्चन नहीं बना होगा क्यों सर प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू देखो बेटा ये इतना आसान नहीं है सवाल इन लोगों ने दे तो दिया है इस सवाल को कॉपी में नोट कर लो मैं आपको जब मॉडुलस पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसके एक आंसर नहीं इसके कई आंसर संभव है ठीक है ना इसके कई आंसर संभव है यहाँ पर इसका मान जो है उत्तर में दिया गया है कितना जीरो छठवे का आंसर जीरो दिया गया है तो ये क्यों संभव है ये कंडीशन है तो इसको मुझसे याद से आप पूछ लीजिएगा ओके यस सर क्लास में चलो अगला मान बताओ यदि x के n मानों का माध्य m हो तो xi माइनस m कितना होगा पढ़ाया था क्लास में भैया माध्य के सापेक्ष विचलन ही तो निकाल रहे हो क्या होता है जीरो माध्य के सापेक्ष विचलन क्या होता है जीरो जीरो ठीक है बोलो कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में नो सर चलो सत्य असत्य सेट फाई एक त्रिकोण समुच्चय है असत्य असत्य भैया फाई होता है रिक्त समुच्चय सेट फाई नहीं ठीक है ना सेट फाई नहीं होगा अगला अगला पॉइंट पढ़ो बेटा छत्रपाल पढ़ो दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है सत्य सत्य सर सत्य ठीक है नेक्स्ट अगला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रैखिक असामिका है असत्य असत्य अगला दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए एवं बी का समांतर माध्य रूट ए बी है असत्य असत्य ये जो ये गुणोत्तर माध्य है अगला यस सर बिंदु एक कॉमा दो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो के अंदर स्थित है बोलो अंदर है बाहर है ऊपर है कैसे पता करते हैं पहले इसमें पुट करके देखो इतने वाले हिस्से में बिंदु पुट करके देखो अगर धनात्मक आ जाए मतलब बाहर ऋणात्मक आ जाए मतलब अंदर और बराबर जीरो आ जाए मतलब ऊपर चलो चेक करो जल्दी से कहाँ है माइक बंद करो सर बाहर बाहर चलिए यस सर बाहर है तो यहाँ पे अंदर कह रहा है तो बिल्कुल गलत है असत्य है क्वेश्चन नंबर पांचवा असत्य सही है बच्चों चलो अगला सवाल करो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है तो f डैश 0 और 3f डैश माइनस 1 बराबर 0 सॉल्व करके देखो क्या निकालोगे f डैश निकालोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4x प्लस 3 आएगा तो 4x प्लस 3 में एक बार x की जगह 0 रखो
और 3 का मल्टीप्लाई करके x की जगह माइनस 1 रखो। देखिए ये आपके पास दिया गया है, फलन की सिचुएशन आपको ये दी गई है, तो आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है अपने पास कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5। एक सेकंड बच्चों पेन थोड़ा सा कस्टमाइज कर लें, मीडियम पॉइंट पेन। अच्छा ओके ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एफ डैश एक्स कितना होगा बच्चों 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस 3 ये हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है एफ डैश 0 प्लस 3 एफ डैश माइनस 1। एफ डैश 0 मतलब x की जगह 0 रख दो तो कितना बचेगा केवल 3, प्लस 3 x की जगह माइनस 1 रख दो तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 इंटू माइनस का 1 मतलब 3 माइनस 3 बराबर 0 आ रहा है। उन लोगों ने क्या बोला है 0 है, हाँ सही है। आंसर क्या होगा बच्चों, सत्य सत्य ठीक है। इसका आंसर सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। बेटा देखो इसमें कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू इतनी दी गई है तो आपको एफ डैश 0 और 3 एफ डैश माइनस 1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। यस सर। तो एफ डैश 0 की वैल्यू कैसे, पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, डिफरेंशिएशन निकाल लो, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x होगा नहीं होगा बताओ। यस सर। और 3x का x का 1 हो जाएगा 3 बचेगा और 5 का 0 हो जाएगा तो सीधे ले लेकर के 4x + 3 बचा। यस सर। ये आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है ना, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब क्या निकालो, एफ डैश 0 मतलब x की जगह पे 0 रखोगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। यस सर। और 3 एफ डैश माइनस 1, x की जगह माइनस 1 रखोगे तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3, क्लियर है। यस सर। हो गया, समझ में आ गया। यस सर। चलो ठीक है भाई, तो ये भी हो गया अपना पेपर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। पेपर नंबर 2 तो बच्चों यहां तक अपना पेपर नंबर 2 हो गया है, कल हम करेंगे पेपर नंबर 3। तो आपका पेपर नंबर 2 तक होमवर्क है। पेपर नंबर 2 में जितने क्वेश्चंस हैं पूरे 1 और 2 में, इतने क्वेश्चंस आपको लगा के लेके आने हैं, ठीक है बच्चों। यस सर। पेपर नंबर 1 और 2 में जितने क्वेश्चंस उनको लगाइए, जो ना बनेगा कल मुझसे पूछिएगा, और एक क्वेश्चन जो बताया है मैंने उसको गोला लगा लीजिएगा। किसी दिन मॉडुलस फंक्शन पढ़ाऊंगा है ना, मापांक फलन, तब उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो कैसे होता है वो क्वेश्चन हल। उसका आंसर 0 ऐसे नहीं आएगा, उसमें 3 परिस्थितियां बनेंगी, उसके हिसाब से आंसर बनता है उसका, ठीक है। तो कल अपन करेंगे पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। अभी 6 पेपर हैं तो दो दो पेपर एक एक दिन में अपन कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। यस सर। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर जो है समाप्त करते हैं, ठीक है। एक मिनट, कल से स्कूल है? अभी इसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, जैसे जानकारी आएगी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा।